सो अभिनव मनुष्य पार्ट चार हिंदी की 10th क्लास की तृतीय भाषा में से NCERT बुक में से हम लोग आज इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसको हम लोग देख लेते हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, मतलब कवि यहाँ पे हमसे कहना चाह रहे हैं कि आजकल की दुनिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा विचित्र है, बड़ी ही अजीब है। विचित्र मीन्स अजीब, मीन्स something which you haven't seen before and it is unique, okay, and it is new. So this world which we are seeing is completely unique and completely new for us. Now prakriti par savitra hai vijay purush asin, matlab पुरुष ने, मनुष्य ने प्रकृति के हर एक जगह, हर एक कोने, हर एक राज्य, हर एक भूमि के हर एक जो है पार्ट पर उसने जो है क्या कर लिया है, उसने उसको कब्जा कर लिया है, उसने उसको ले लिया है, उसके ऊपर वो राज करता है आजकल, ठीक है। प्रकृति पर सर्वत्र, हर जगह प्रकृति पर, हर जगह मनुष्य का जो है वो राज हो गया है, वो बैठा हुआ है, मनुष्य बैठा हुआ है, इसका मतलब उसने राज कर रहा है, वो वहाँ पर वो एक पद पर है। बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, मतलब ऐसा लग रहा है कि मनुष्य जो है, मनुष्य ने सिर्फ प्रकृति पर राज नहीं कर रहा, वो सिर्फ भूमि पर राज नहीं कर रहा, वो जल, बिजली, भाप सब पर राज कर रहा है, ऐसा लग रहा है। हर एक कोने कोने में जो है वो राज कर रहा है, तो उसकी चीज़ों पर भी, जल भी पृथ्वी पर है, बिजली भी पृथ्वी पर आती है, भाप पृथ्वी से उठती है, तो वो इन सब पर राज कर रहा है, ऐसा लग रहा है। ना हुक्म पर चढ़ता उतरता है पावन का ताप, ऐसा लगता है कि आजकल मनुष्य के हुकुम पर, मनुष्य जो है वो उसको ऑर्डर कर रहा है कि भैया तुम गर्मी बढ़ाओ और तुम ठंडी बढ़ाओ। इट्स लाइक दिस कि पावन आजकल ऐसा लगता है जैसे कि हवा का ताप भी जो है वो मनुष्य के बोलने से चढ़ता या उतरता है, इस लाइन का मतलब ये है। फिर है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, मतलब कहीं पे भी रुकावट नहीं है मनुष्य के कुछ भी काम करने में, ऐसा लग रहा है कि कहीं पे भी रुकावट नहीं है। लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान, पहले तो वो कुछ नहीं कर सकता था, पहले वो कहीं नहीं जा सकता था, पहले कुछ भी नहीं कर सकता था, ये सब चीज़ें पहले नहीं थी, पहले सिर्फ आदि मानव था, अभी तो वो जो है वो समुद्र पार कर सकता है, वो पहाड़ पार कर सकता है, वो सागर पार कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। अब सेकेंड पैराग्राफ पे हम लोग आ गए हैं, हम लोग इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो मनुज मतलब मनुष्य, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे आलोक, आलोक मीन्स दर्शन या दृष्टि, ओके। और आगार मीन्स रहने का स्थान, आगार मीन्स रहने का स्थान, कमरा, मकान, कोठरी, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग व्योम मतलब हमारा आकाश हो गया, आसमान हो गया, है ना, से पताल तक सब कुछ। इसे गय को जो जानने योग्य हो, ठीक है, जो जानने योग्य हो, नॉलेजेबल पर्सन, जो जान सके, है ना, ऐसा पर्सन। फिर यहाँ पे क्या लिखा है भाई, पर ना ये परिश्रय मनुज का, ना ये उसका श्रेय, श्रेय मीन्स उत्तम, श्रेष्ठ, ओके, श्रेष्ठ, उत्तम या बेहतर, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है, मैंने सिर्फ एक ही वर्ड लिखा है। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं हम लोग, इसका मीनिंग क्या कह रहा है। तो भैया यहाँ पे लिखा है, ये मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, सिंपल है कि भाई मनुष्य, ये जो मनुष्य है जिसका वायुयान, जिसका ये जो वायुयान आसमान में जा रहा है, गगन मतलब आसमान में जा रहा है, कांपते जिसको करों को देखकर परमाणु, मतलब परमाणु भी, ये परमाणु भी जो है ये देखकर, मनुष्य के कामों को देखकर जो है वो कांप रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, इसने सृष्टि का श्रृंगार किया है, इट चेंज, ही हैज चेंज्ड कंप्लीटली द अर्थ, द लुक ऑफ द अर्थ, यू कैन से। ज्ञान किससे चेंज किया है, ज्ञान से, विज्ञान से, नॉलेज से, साइंस से, दर्शन से, बाय इंसाइट, है ना। और रहने का, रहने के स्थान में कहाँ रह रही है, सब मनुष्य के अंदर, ओके। द मनुष्य इज द वन हु इज चेंजिंग द लुक ऑफ द अर्थ विद व्हाट, विद ज्ञान, विद नॉलेज, विद साइंस एंड विद इंसाइट, एंड इट इज़ ऑल इनसाइड हिम। नाउ आकाश से पाताल तक सब कुछ उसको पता है, है ना, इस लाइन का मतलब है, आकाश से पाताल तक सब कुछ उसे पता है। तो हम लोग थर्ड पैरा पे आ जाते हैं, इसका पहले मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। लाइक रेस्ट, श्रेय मतलब श्रेष्ठ, बेहतर, है ना, उत्तम, तो मैंने यहाँ पे श्रेष्ठ और बेहतर नहीं लिखा था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है श्रेष्ठ और बेहतर,
ओके. अब चैतन्य मीन्स चेतन में होने वाला भाव. भाव मीन्स वॉट एवर वी आर फीलिंग. चेतन मीन्स आप मानते हो, अ कॉन्शियसनेस बेसिकली. दैट इज़ वॉट द परफेक्ट वर्ड फॉर इंग्लिश. इन इंग्लिश इट विल कम. श्रेय मानव की असीमित, मतलब कोई सीमा ना रहना. इंग्लिश में लिमिटलेस. मानवों से प्रीत, तो प्रीत में क्या आ गया भाई, लव एंड केयर या कंसर्न, ठीक है, या प्रेम. ओके फिर क्या है, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान. तो व्यवधान मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे बाधा या रुकावट. सेम इधर, बाधा रुकावट या इंटरप्शन. ओके इन इंग्लिश, मैंने इंग्लिश में यहाँ पे नहीं लिखा था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है. अब तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी, नॉलेजेबल पर्सन. विद्वान मीन्स साइंटिस्ट. और मानव भी वही, मानव मीन्स मनुष्य. ओके सो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या है. पर ना यह परिचय मनुज का, ना यह ना उसका श्रेय. कवि ये कहना चाहते हैं कि ये सब जो है, ये सब हम लोगों ने जो पढ़ा है, ये ना ही उसका परिचय है और ना ही उसका श्रेय उसको जाता है. श्रेय किस चीज़ का है? श्रेय इस चीज़ का है, वो श्रेष्ठ तब बनेगा, मनुष्य श्रेष्ठ या बेहतर तब बनेगा जब जो है वो एक अपनी कॉन्शियसनेस पे वो जब जीत पाएगा. ओके जब वो उसको लगेगा जो भी मैं कर रहा हूँ, कॉन्शियसनेस में उसको गिल्टी फील नहीं होगी, तब वो श्रेष्ठ या बेहतर बनेगा. मनुष्य तब श्रेष्ठ या बेहतर बनेगा जब वो असीमित मानवों से, मतलब लिमिटलेस, नॉट जस्ट योर फैमिली और फ्रेंड्स, यू आर लविंग टू हूएवर इज़ यू आर कमिंग अक्रॉस. ओके तुम उससे प्यार करोगे, प्रेम रखोगे. प्यार एंड प्रेम फॉर एवरी वन. ओके श्रेष्ठ वो कब बनेगा, जब एक दूसरे से तुम इतना प्यार करो कि तुम एक दूसरे की हेल्प करो एंड यू रिमूविंग ऑल द ऑब्स्ट्रक्शंस यू नो विच इज़ कमिंग नॉट जस्ट योर पाथ बट इन अदर्स पाथवे ऑल्सो. तुम एक दूसरे के बीच का व्यवधान मिटा रहे हो, तुम उनके बीच में कुछ भी जो है वो नहीं, प्रेम के अलावा और कुछ नहीं आ रहा उनके बीच में. तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी. ये सब को जो तोड़ दे, है ना, इन सब पे जो जीत पा ले, वही ज्ञानी है, वही नॉलेजेबल पर्सन है, वही साइंटिस्ट है और वही मनुष्य भी है. आई होप यू गाइज लाइक द एक्सप्लेनेशन. आई ट्राई टू गिव यू द मीनिंग्स फर्स्ट बिकॉज आई फील लाइक इफ यू नो द मीनिंग्स देन इट विल बी हेल लॉट ऑफ इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. एंड देर आर सम स्टूडेंट्स हु फाइंड हिंदी डिफिकल्ट, स्पेशली दोज हु आर लिविंग इन द सदर्न रीजन ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ द एरिया in India. And I'm really sorry for this noise coming in the background because there is some construction going on over here. And I'm really sorry this video has just, you know, got more than 5 minutes, so I'm really sorry for that. Also please comment down in the comment section below if you like this video, and do give it a thumbs up, do share it with your 10th standard students. This is me, Alice Rogers, and I'm signing off.